Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। हम अभी इस वक्त फिलहाल मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जहां पर लेफ्ट संगठनों और एबीवीपी से जुड़े छात्रों के बीच में एक झड़प हुई है, जिसमें दोनों पक्ष से कई सारे छात्र, कई सारे स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। यह विवाद आज शाम को खड़ा हुआ था, क्योंकि JNU हॉस्टल्स में संडे के दिन मेन्यू में नॉनवेज बनना होता है, लेकिन चूंकि एबीवीपी से जुड़े लोग और कई सारे छात्र रामनवमी मनाते हैं कावेरी हॉस्टल में, तो उनका यह कहना था कि यहाँ पे आज नॉनवेज ना बनाया जाए, क्योंकि आज यहाँ रामनवमी है। स्टूडेंट्स बताते हैं कि इस चीज़ को लेकर आपसी सहमति भी थी, लेकिन उसके बाद चॉइसेस को लेकर एक विवाद शुरू हुआ और शाम को ही एक झड़प हुई, जिसमें मिस रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके साथ मैनहैंडलिंग भी हुई थी। और इस तरीके से जो ये मामला फिर बढ़ता गया और अभी देर शाम एबीवीपी और लेफ्ट के संगठनों के बीच में स्टोन पेल्टिंग हुई और उस दौरान दोनों पक्ष से कई सारे छात्र घायल हुए हैं। तो अभी आप पीछे देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एबीवीपी के लोग, और अभी कई सारे लेफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजर्ड हुए हैं, तो उनको हेल्थ सेंटर ले जाया गया है। तो इस तरीके से इस पूरे मामले की क्या सच्चाई है, दोनों पक्षों से बातचीत करके समझना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये मामला इरप्ट हुआ और क्या आपस में लोगों की सहमति बनी थी, नहीं बनी थी, और जब ये दोबारा स्टोन पेल्टिंग की जो बात है वो कहाँ से शुरू हुई और क्या कुछ इस पूरे मामले में ये है कि JNU में कावेरी हॉस्टल में ट्रेडिशनली कोई ना कोई हर हॉस्टल का चरित्र है कि पूजा करते हैं, ट्रेडिशन है। नर्मदा महाशिवरात्रि करता है, माई माली महाशिवरात्रि करता है, पेरिया दुर्गा पूजा करता है, कावेरी रामनवमी करता है, यानी दुर्गा नवमी करता है। और कहने का अर्थ ये है कि आज से 7 दिन पहले आप सभी को पता है जो JNU के हैं कि JNU में सेक्रेटरी और मिस प्रेसिडेंट भी है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या बने काम है। उसको हटाइए, 7 दिन पहले जब डिसीजन हुआ बैठ के लोगों ने डिसाइड किया कि हम पूजा करेंगे। 3 दिन पहले पोस्टर निकाला तो वहीं पे और नक्सली कुछ लोग धमकी देने लगे कि हम पूजा में तुम्हारे हवन में डांस देखेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा उन लोगों ने धमकी देना हमारे जो लोग थे जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे हमारे लोग और जो पूजा के लोग थे वो उनको लगा कि ऐसा कि ये करेंगे। पर क्या हुआ कि आज 3:30 बजे से पूजा शुरू होनी थी, अचानक से एकाएक गेट से आके हल्ला करना, रकस क्रिएट करना और पूजा जिसके कारण से डिले होकर 5:30 बजे शुरू हुई। ऋषिकेश जी को भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है, वीडियो भी हमारे पास। एक तरफ शांतिपूर्वक इफ्तार का रोजा किया जा रहा है, दूसरी तरफ पूजा हो रही है, बहुत शांतिपूर्वक माहौल है, कोई मारपीट तब तक नहीं, कोई चीज़ें रिपोर्ट नहीं, अचानक से शिगुफा उठता है कि नॉनवेज का मामला है। अरे JNU में कभी भी इफ्तार नॉनवेज नहीं बनता है, ऐसा किसी से भी आप पूछ लीजिए। और जहाँ तक दूसरी बात है, जब 6 से सब चीज़ हो गया, शांतिपूर्वक हो गया, तो रात के 8 बजे आप स्नीकी 150 लोगों को लेके वार्डन पे हमला करना, रेसिडेंट पे हमला करना, ये किसका है, किसने शुरू किया, लेफ्ट ने ऐसा क्यों किया, उनसे पूछना चाहिए। ये चीज़ें एमिकेबली तो हो सकती थी, मैं काउंसलर हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा एक एटीट्यूड लेके आप आ जाते हैं हॉस्टल में। आप हॉस्टल के क्या हो, काउंसलर तो स्कूल में होते हैं, हॉस्टल में तो मेस सेक्रेटरी होते हैं, आपका तो कोई वजूद नहीं है। फिर ऐसा रकस क्रिएट करना, कम्युनल डिसहार्मनी करना, ये लेफ्ट का एजेंडा है, क्योंकि JNU में 4 जगह एबीवीपी ने नहीं, कॉमन छात्रों ने ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए, इनके कारण से ही कॉन्फ्रेंटेशनल एटीट्यूड में आ गए हैं। इनको लग रहा है कि इनका समय फंसक रहा है, इसके लिए मारपीट कर रहे हैं और हमला करके, घात लगा के हमला करना, और अभी भी घात लगा कर बैठे हुए हैं, इसलिए हम गेट पे आए हैं। हमारा कहना है कि सिक्योरिटी दिया जाए, जब तक सिक्योरिटी एश्योरेंस नहीं मिलेगा, जब तक हम इस रोड हाइट में रहेंगे, ताकि हम पे कोई अटैक ना आना। लेफ्ट की ही टेंडेंसी है स्टोन पेल्टिंग करना, चाहे 5 जनवरी का वायलेंस रहा हो, उससे पहले का वायलेंस रहा हो, स्टोन अपने बोरे में भर कर रखना हो, रूम में रखना हो, रूम में आपको यहाँ छात्र मौजूद है जो नया रूम लिया तो उसके रूम में स्टोन पूरा कबर्ड में भरा हुआ था, तो लेफ्ट के ही लोग हैं जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, ये क्लियर कट है। और चाहे 2013 से लेकर के आज तक लेफ्ट के लोग स्टोन पेल्टिंग में रेगुलर पकड़े गए हैं, प्रोक्टोरियल इंक्वायरीज हुई हैं। ये जो लेफ्ट आरोप लगा रहा है कि हम लोग स्टोन पेल्टिंग किए, बिल्कुल बेसलेस है, उन्होंने ही किया है और क्लियर कट हमारे प्रूफ है। और कौन ऐसे लोग हैं करते हैं वो चिन्हित करा देंगे, चलिए तो आपको दिखा देंगे। उनके तरफ से भी सर फटा हुआ है एक लड़की का, बिल्कुल। आप हमला करने आएंगे, धक्का मुक्की आप ही लेके आ रहे हैं ना, कावेरी हॉस्टल में भीड़ लेके कौन आया 150 लोगों का, जिस पे हमला हुआ वो कावेरी के रेसिडेंट है क्या, ऐसा हो रहा है कि हमला हुआ है, उनको चोट लगा है, क्लियर कट शुरू में बोलती हुई पाई गई है कि 7 लोग हमारे घायल हैं, ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बात, लेफ्ट का ये वायलेंट टेंडेंसी रहा है JNU में रेगुलर JNU के स्पिरिट पे अटैक करना, जब मेरा सवाल ये है, जब पूजा शांति से 5 बजे जब इफ्तार हो रही है, पूजा हो रही है, वीडियो आपको भेजेंगे, वो है और मीडिया में चल रहा है,
तब जब कम्युनल हारमोनी से सारी चीजें हो रही हैं, उसके बाद रात में भीड़ लेके आना अंधेरे के समय में और हॉस्टल पे अटैक करना, क्या ये प्रवृत्ति है? ये नक्सल कैंप नहीं है, ये जेएनयू है। यहाँ के लोग जागरूक है, जानते हैं, चीजें मीडिया में जाती हैं, आपको विजुअल हो, आप पूछो उनसे कि क्यों गए, आप किस अधिकार से गए? काउंसलर स्कूल में होता है कि काउंसलर हॉस्टल में होता है? हॉस्टल में तो मेस सेक्रेटरी होता है। और किस दिन जेएनयू में, किस दिन इफ्तार पार्टी में चिकन बना है? कभी नहीं बना है। इफ्तार में चिकन बनाने का बात लेना, नॉन वेज और वेज का बात लेना, ये कौन शुरू कर रहा है? लेफ्ट का, ये लेफ्ट जेएनयू को बदनाम करना चाहता है, लेफ्ट जेएनयू के स्पेस को यूज करके अपना एक एजेंडा चलाना चाहता है। अच्छा, मेनू है संडे को नॉनवेज बनने का यहाँ? बिल्कुल, तो वो मिस सेक्रेटरी डिसाइड करेंगे ना, मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा, एबीवीपी थोड़ी डिसाइड करेगा, लेफ्ट थोड़ी डिसाइड करेगा। तो आप समझो इस चीज को, एक मिनट रुक जाइए, कौन डिसाइड करेगा आप बताओ? मिस सेक्रेटरी फिर चुने क्यों जाते हैं? उनको हर महीने 2000 का रिबेट क्यों मिलता है? यही डिसाइड करने के लिए ना, जब नर्मदा हॉस्टल में एक स्टाफ की डेथ हुई थी, खाना नहीं बना था, क्यों? मिस सेक्रेटरी ने डिसाइड किया, सभी ने एक्सेप्ट किया। ऐसे इस चीज में जबरदस्ती रामनवमी का आप जान रहे हैं, पहले से आप धमकी दे रहे हैं, तुम्हारे पूजा में हम हड्डियां फेंकेंगे, पहले से आप धमकी दे रहे हो। पूजा 3:30 बजे से शुरू होना है, उसको जबरदस्ती हल्ला करके मैं इसमें घुस के आप 5:30 बजे का कर रहे हो, जब देख रहे हो कि ज्यादातर छात्र पूजा करना चाहते हैं, चुपचाप आप निकल जाते हैं जेएनयू में। और पूरा जो मैच का शेड्यूल है उसके बारे में कि अभी तक मैं जितने दिनों से जानता हूँ, जितने दिनों से स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जेएनयू को फॉलो कर रहा हूँ, जेएनयू को देख रहा हूँ, 7-8 सालों में कभी भी मेस का जो रूटीन होता है ना, वो हॉस्टल कमेटी, मेस कमेटी को मिलके सेलेक्ट करता है और उस पूरे पर उन लोगों का इलेक्शन होता है। सारे हॉस्टल में संडे को और वेडनेसडे को नॉनवेज होता है। आज भी सारे हॉस्टल में वैसा ही स्केड्यूल था, वो पर्सनल चॉइस है आपको कि आपको नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, आपका पर्सनल चॉइस है। ऐसा अनुमान होता है कि जो हॉस्टल मेस सेक्रेटरी होता है या हॉस्टल प्रेसिडेंट होता है, अगर कुछ फेस्टिवल है तो पूछ लिया जाता है पहले से कि कितना लोग वेज और नॉन वेज खाने वाला है, और मिस मैनेजर भी पूछ लेता है अक्सर कि कितना लोग खाने वाला है, तो उसके हिसाब से शेड्यूल शिफ्ट कर देता है कि अच्छा आज ज़्यादा लोग वेज खाने वाला है तो आज ज़्यादा पनीर आएगा, लेकिन नॉन वेज होता है उस दिन। और अभी तो रमजान का महीना भी है तो शाम में उनका एक अलग चलता है कि शाम में इफ्तारी के टाइम में वो लोग अपना बनाते हैं, अपना जो ग्रुप होता है। लेकिन ये कोई ऐसा जो एबीवीपी का जो आर्गूमेंट है शिफ्ट हो गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था, ऐसा नहीं हुआ था। और उसका पूरा वीडियो अवेलेबल है कि मीट आया था जो बाहर से आता है, वैन में आता है, वो मीट आया था बाहर, और वहाँ से इन लोगों ने लड़ाई शुरू कर दिया कि उनसे भी वैन वाले से भी बोला कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप देखते रहिए मुझे स्टोरी, धन्यवाद। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.